अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिजवान अली और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल गार्डनिंग एनिवर्सरी रूटीन वर्क। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक शहजाद डीसी पंप को खोलना है। इसको हम ए टू जेड खोल देंगे, खोल कर इसका फॉल्ट चेक करेंगे कि मोटर के चार कार्बन होते हैं उनको भी चेक करेंगे और इसका बैरिंग भी चेक करेंगे कि बैरिंग तो नहीं ख़राब। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल प्रोफेशनल गार्डनिंग एंड नर्सरी रूटीन वर्क को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आएं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक, दो, तीन और चार। दोस्तों, इसको चार बोल्ट लगे हुए हैं 11 नंबर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम जी दोस्तों, इन चारों बोल्टों को खोलने के लिए हमें 11 नंबर की चाबी, 11 नंबर का रिंग पाना या 11 नंबर की गोटी चाहिए। याद रहे कि आप कभी भी कोई भी काम शुरू करते हैं, काम शुरू करने से पहले आपको मुतलका औज़ार जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। पहले आप औज़ारों का अरेंज करें, औज़ार अगर आपके पास हैं तो आप काम करना शुरू करें, अगर आपके पास औज़ार नहीं हैं तो आप काम को शुरू ना करें। क्योंकि अगर आपके पास औज़ार अच्छे होंगे, आपके पास औज़ार कम्प्लीट होंगे तो आपको काम करने में आसानी भी होगी और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और आप काम को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर आपके पास औज़ार अच्छे नहीं हैं तो आप काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास औज़ार नहीं होते, नाकस औज़ार होते हैं, जंग आलूदा या ज़्यादा टाइट जो बोल्ट नट बोल्ट ज़्यादा टाइट किए हुए होते हैं उनको खोलना पड़ता है, तो नाकस औज़ार होने की वजह से वो स्लिप हो जाते हैं और उनको वेल्डिंग खराद वगैरह की मदद से ही फिर उनको खोला जाता है। इसके अलावा उनका कोई और हल नहीं होता दोस्तों। इसलिए आपके पास औज़ार जो है वो अच्छा होना चाहिए, जो स्लिप ना हो और ताकि वो बोल्ट को पूरी पकड़ करके, उसकी ग्रिप करके उसको खोल सके। दोस्तों, हमने इसके चारों बोल्ट जो हैं वो खोल लेने हैं। खोलने के बाद हम इसका कनेक्शन बॉक्स खोलेंगे। इस तरह वन बाय वन करके जो जो इसकी चीज़ें हमने खोलनी है वो आप भी नोट करते रहें और इसी तरीके से आपने इनको खोलना है। दोस्तों, ये इसका ब्लू कलर का कनेक्शन बॉक्स है। कनेक्शन बॉक्स खोलने के लिए हमें चार मुंह वाला पेचकस चाहिए। इसको दो पेच लगे हुए हैं, उनको हमने खोना है। दोस्तों, इस बर्म बॉक्स के ऊपर जो छः बोल्ट लगे हुए हैं, अब हम इन छः बोल्टों को खोलेंगे। छः बोल्टों को खोलने के लिए आपको वही औज़ार चाहिए, 11 नंबर की चाबी हो, 11 नंबर की गोटी हो या 11 नंबर का रिंग पाना हो, उनकी मदद से हम इनको खोलेंगे। मैं गोटी इस्तेमाल करता हूँ। गोटी से काम करना आसान होता है और जल्दी होता है, क्योंकि गोटी जो है उसको हम एक दफ़ा नट के ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद तो सिर्फ हमने घुमाना होता है और ये खुद ब खुद फिर वो जल्दी खोल देता है। क्योंकि आपको पता है चाबी जो है वो हमने बार बार निकालनी और दोबारा डालनी पड़ती है, उसके बाद हम नट को खोलते हैं। लेकिन जो गोटी होती है बस इसको एक दफ़ा हमने रख लेना है और उसके बाद उसको घुमाते जाना है और उसका बोल्ट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ और जल्दी खुल जाता है। दोस्तों इस तरह इसका हमने वन बाय वन करके छः के छः बोल्ट जो हैं वो खोलने हैं और इसके बाद हम इसका वर्म चेक करेंगे कि इसके वर्म की क्या पोजीशन है। इसी तरह हम जिस तरह वन बाय वन करके खोलते जाएंगे, जो जो चीज़ें हम इसकी खोलते जाएंगे और उनके ऊपर हम गौर करते जाएंगे कि क्या चीज़ इसकी ख़राब है और क्या चीज़ इसकी सही है, किस चीज़ को हमने चेंज करना है और किस चीज़ को हमने चेंज नहीं करना। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको गौर से देखें और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपने सेम टू सेम उसी तरह करना है। इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा होगा और आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की फिर ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसका हमने जो हेड है वो खोल लिया है और इसका ये वर्म आपके सामने है। अब हम इसका वर्म खोलेंगे। वर्म खोलने के लिए हमें एक प्लास चाहिए, भले वो इलेक्ट्रिक प्लास हो या ग्रिप प्लास हो, किसी भी प्लास की मदद से आप इसका जो रोटर है उसको पकड़ लेंगे अंदर से और उसके बाद इसकी जो रबट होगी वर्म की, इसको हमने उल्टी तरफ घुमाना है, सीधा नहीं घुमाना इसकी, क्योंकि चूड़ी जो है वो उल्टी लगी हुई होती है। रबट को आपके पकड़ कर रबट को घुमाते जाना है और वो खुल जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद इसकी एक सील होती है, ये इसकी सील है और सील को आपने को निकालना है इसी तरीके से जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ। इस तरह आपने दोनों तरफ से इसको हिला हिला कर आराम से निकाल लेना है और इसकी स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, इसकी रबड़ जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। अगर ये ठीक है तो आपका पंप जो है वो पानी भी ठीक देगा, क्योंकि इसका दारोमदार सारा
पानी का दारोमदार सारा इस सील पर होता है, भले वो मोनो हो या कोई भी ब्लॉक हो। जी दोस्तों, अब हमने इसको खोल लिया है और इसकी हम जो मोटर है अब उसको घुमाकर चेक करेंगे क्या उसकी आवाज़ कैसी है और ये इसमें प्ले वगैरह कितनी है। जी दोस्तों, मोटर के पीछे लगा हुआ फ़ैन कवर, इस फैन कवर को खोलेंगे। फ़ैन कवर को खोलने के लिए हमें एक पेचकस चाहिए, चार मुंह वाला, और इसके ऊपर चार पेच लगे हुए हैं। अब हम इनको खोलेंगे वन बाय वन करके, हम इनको खोलते जाएंगे। खोलने के बाद इसके नीचे इलेक्ट्रिक फ़ैन होगा जो आम कंप्यूटर सप्लाई या इस तरह की चीज़ों में लगा हुआ होता है। जी, ये आपके सामने ये फ़ैन है दोस्तों। अब हमने इसका मोटर का कवर खोलना है। मोटर का कवर खोलने के लिए इसके ऊपर तीन लगे हुए नट खोलने हैं जो आठ नंबर के हैं। इनको आप प्लास की मदद से, ये छोटा आपके पास स्क्रू रैंच है तो आप उसकी मदद से भी आप खोल सकते हैं। ये तीन हैं, इन तीनों को आपने खोल लेना है। खोलने के बाद इसका कवर जो है वो अलहदा करके इसको हल्की सी आपने टक्कर देनी है और ये मोटर जो है वो अलहदा हो जाएगी और इसका कवर जो है वो अलहदा हो जाएगा। दोस्तों, इसका कवर खोलते हुए या बाकी काम करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आपने जहाँ से खोलनी है, जिस तरीके से खोलनी है, इसकी कोई निशानी लगा लें या आपने ध्यान से खोलनी है, क्योंकि आपने इसको वापस बंद भी करना है। ऐसा ना हो कि पीछे वाली चीज़ आगे और आगे वाली चीज़ पीछे, इस तरह उसकी फिटिंग अच्छी नहीं बैठती। दोस्तों, इसके साथ लगी हुई तीन सिलाइयों को हम नीचे ज़मीन पर मारेंगे और उसका कवर जो है वो ऊपर आ जाएगा, जिसके साथ मोटर फिक्स की भी होती है। अब दोस्तों, हमने मोटर को कवर से अलहदा करना है। कवर से अलहदा करने के लिए इसके ऊपर लगे हुए दो बोल्ट वो खोलने हैं। इन बोल्ट का साइज़ जो है वो भी 11 नंबर ही है। इनके ऊपर सिर्फ दो लगे हुए हैं, इनको आपने एहतियात के साथ खोलने हैं क्योंकि ये हार्ड सिल्वर लगा हुआ होता है, ये टूटने का ख़तरा भी होता है, इसलिए आपने इसको ख्याल के साथ और मजबूती के साथ खोलना है, कहीं ये टूट ना जाए। और अगर ये टूट जाएगा तो इसकी जो है लाइनमेंट वो आउट हो जाएगी, उसके बाद आपका वर्म पंप जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। वर्म जो है वो इसके अंदर जो है वो कवर उसके अंदर अटकना शुरू हो जाएगा, फिर मोटर ज़ोर लगाएगी लेकिन वो घूमेगा नहीं और पानी का प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। ये हमने दोनों बोल्ट जो हैं वो 11 नंबर चाबी की मदद से हमने इनको खोल लिया है। ये आप देखें, मोटर जो है अब हमने अलहदा कर ली है। जी दोस्तों, तो अब बारी आ गई है मोटर की। मोटर खोलने के लिए हमें पेचकस चाहिए। पेचकस वाले दो बोल्ट लगे हुए हैं इसके ऊपर, इसकी मदद से इसका कवर जो है वो टाइट है और इसके अंदर मैग्नेट होता है। अब हम इसको ज़ोर से खींचेंगे फिर ये निकलेगा, वैसे ये आराम से तो निकलने वाला है नहीं। जी दोस्तों, अब मोटर को जो है हम खोल रहे हैं। इसका आर्मेचर से हम इसका कवर जो है वो अलहदा करेंगे। मैग्नेट होता है, मैग्नेट की वजह से इसको थोड़ा सा खींचना मुश्किल होता है क्योंकि मैग्नेट जो है वो पूरी बॉडी में होता है। और ये इसका आर्मेचर है। बैरंग की बात करते हैं, इस मोटर का बैरंग जो है वो बिल्कुल ठीक है, घूमता भी ठीक है और इसमें प्ले भी नहीं है। ये इसके चार कार्बन्स हैं जो हाफ हैं, तकरीबन आधे चल गए हैं और आधे जो अभी बाकी हैं। इन कार्बन्स की मदद से मोटर जो है वो घूमती है। अगर आपका एक भी कार्बन ख़राब हो गया तो आपकी मोटर जो है वो नहीं घूमेगी, आपको उसका कार्बन जो है वो चेंज करना पड़ेगा और इसमें थोड़ी बहुत प्ले होनी चाहिए। अगर ये इसमें प्ले नहीं है तो आपकी मोटर में फॉल्ट है, इसको आप रिप्लेस करेंगे। जी दोस्तों, हमारा मकसद था मोटर को खोलना और मोटर को खोलने के बाद इसमें इसके बैरंग और इसके कार्बन्स जो हैं वो चेक करने थे हमने। कार्बन्स और बैरंग हमने इसका चेक किया है, जो कि दोनों चीज़ें इसकी बिल्कुल ओके हैं। आर्मेचर जो हैं इसका वो भी बिल्कुल ओके है और इसमें किसी किस्म का माशाल्लाह से फॉल्ट नहीं है। अब हम इसको बंद करेंगे, जिस तरह हमने इसको खोला था इसी तरह वन बाय वन इसको हम बंद करना है। और जैसे जैसे जिस जिस चीज़ को हमने बंद करना है उस चीज़ को हमने देखते जाना है। जो चीज़ ठीक होगी, काबिल इस्तेमाल होगी, वो हम इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ ख़राब होगी वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ ख़राब है।
ये मोटर का कवर है, बॉडी है, और इसमें जो सुराख है उसमें से हम इसकी मोटर की तारें और पंखे की तारें और तीन सलाइयां गुजारेंगे। मोटर का बैक कवर लगाएंगे, बैक कवर के साथ लगा हुआ फ़ैन है, फ़ैन की दो तारें जो है वो हम सुराख में से गुजारेंगे। जिस सुराख से हमने मोटर की तारें गुजारी थी सेम उसी सुराख से फ़ैन की तारें गुजारेंगे, और उसके बाद इसकी सलाइयां जो होंगी वो हम कवर में से गुजार कर इसके ऊपर जो नट लगे हुए होंगे वो हमने लगाने हैं। दोस्तों ये मोटर का रोटर है, और रोटर के ऊपर थोड़ा सा कार्बन आ जाता है, और इसको कार्बन से बचाने के लिए हम इसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने का फ़ायदा ये है कि इसको जंग नहीं लगता, क्योंकि इस जगह पर पानी अक्सर आता रहता है लीक आउट होने की वजह से, सील की वजह से, और ये जल्दी ख़त्म होने का ख़तरा होता है, इसलिए इसके ऊपर हम ग्रीस लगा देंगे। ये सील वाली जगह ये सारी के ऊपर हम ग्रीस लगा देंगे अच्छे तरीके से, ग्रीस अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों एक सील होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाली सील होती है, इसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि अगर पंप से पानी निकलता है अंदर वाली स्प्रिंग वाली सील ख़राब होने की वजह से, तो मोटर की तरफ पानी ना आए, मोटर का बैरम वगैरह या मोटर की तरफ पानी ना जाए जिससे मोटर में कोई फॉल्ट पैदा हो सके, इस वजह से इसी सील का इस्तेमाल किया जाता है। ये रबड़ जो है वो बिल्कुल ठीक थी इस मोटर की सील, इसलिए मैंने सील चेंज नहीं की। इसकी ख़राब होने की निशानी वो ये होती है कि ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है। दोस्तों अब हम इसके चार बोल्ट जो हैं इनको रीचेक करेंगे अच्छे तरीके से चाबी की मदद से, कि इनको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है या नहीं। और अब हम इसके सील की बात करते हैं। दोस्तों सील की निशानी ये होती है कि इसका स्प्रिंग जो है वो अगर जंग आलूदा होगा या वो वर्क नहीं करेगा, तो आपने पंप की सील जो है वो चेंज करनी है, और इसकी जो ब्लैक वाली साइड होगी वो आपने मोटर की तरफ, और जो स्प्रिंग वाली साइड होगी वो आपने वर्म की तरफ लगानी है, यानी ब्लैक वाली साइड बैक पीछे की तरफ यानी मोटर की तरफ लगानी है, और इसके अंदर और बाहर आपने ग्रीस लगा कर इसको पुश करके देखना है। अगर ये अच्छे तरीके से काम करे तो पंप की सील ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये काम ना करे तो आप उसको चेंज कर लें। इसके बाद हम इसके ऊपर वर्म जो है वो टाइट करेंगे। वर्म टाइट करने का तरीका सेम वही है कि इसका जो रोटर होगा उसको आपने प्लास की मदद से पकड़ लेना है, और दूसरी तरफ से आपने इसके जो वर्म होगा उसकी चूड़ी जो है वो अब आपने उल्टी तरफ घुमानी है। उसे उल्टी तरफ घुमाएँगे तो ये टाइट होगा, अगर आप सीधी तरफ घुमाएँगे तो ये खुल जाएगा। ये देखें दोस्तों, जिस तरह आम कॉमन नट जो है वो खुलता है, इस तरह ये टाइट होता है। जी दोस्तों इसका ये फ़ैन कवर है, फ़ैन कवर के ऊपर लगे हुए चार पेच जो हमने खोले थे वो चार मुँह वाले पेचकस की मदद से हम वो टाइट कर देंगे। जी दोस्तों तो अब बारी आती है इसके वर्म की। वर्म जो है वो इसका थोड़ा सा यूज़ में है लेकिन गुजारा करवा रहा है। देखें आप इसमें ब्लैक ब्लैक से डॉट लगे हुए हैं, ये वर्म ख़राब होने की निशानी होती है, लेकिन अब ये तकरीबन एक दो माह भी चलने के काबिल है। इसको अच्छे तरीके से आप ग्रीस लगा कर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीस लगाने से इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों इसमें गिनती की चंद चीज़ें हैं जो आपको खुद समझ आनी चाहिए, आप खुद सेट कर सकते हैं। इसके पार्ट्स जो हैं वो बआसानी आपको सेंट्री की शॉप से मिल जाते हैं, जिस जगह से आप पंप ख़रीदते हैं उसी जगह से आपको इसके पार्ट्स भी हर तरह के पार्ट्स मिल जाते हैं।
इसके ऊपर लगे हुए 6 बोल्ट इनको हम टाइट कर देंगे गोटी की मदद से। हमारा पंप जो है वो अब रेडी है और हम इसको चलाकर चेक करेंगे। जी दोस्तों, तो हमारा वर्म पंप जो है वो तैयार है बिल्कुल, अब हम इसको चेक करेंगे। जी दोस्तों, वर्म पंप को मैं नर्सरी में ले आया हूँ और अब हम इसको चलाकर चेक करते हैं। चलाकर मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इसके पानी का प्रेशर क्या है। हमारा पंप जो है वो चल चुका है बगैर किसी फॉल्ट के, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है और इसकी थ्रो जो पानी की है वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये आधा इंच का पाइप लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।